Kawasaki की Ninja H2 and H2R are one of the most loved motorcycles in the world. चाहे वो इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, Ninja H2 और H2R जो है बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को, चाहे वो उसका फ्रेमवर्क हो, चाहे वो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो ब्रिलियंट पेंट फिनिश हो एकदम मिरर वाली. लेकिन जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट फीचर है उस मोटरसाइकिल का वो है सुपर चार्जर. बट क्या आपको पता है कि एक सुपर चार्जर काम कैसे करता है? यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी H2 की टॉप स्पीड, H2 का ये, H2 का वो, डिलीवरी वगैरह वगैरह. बट क्या किसी ने आपको बताया है कि जो उस बाइक का सबसे मेन USP है या सबसे ज्यादा सेलिंग पॉइंट है जो कि है उसका सुपर चार्जर, वो काम कैसे करता है? किसी ने भी नहीं बताया. कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूं यहां पे. मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केच बिल राइड. ये है मोटर टॉक सीरीज पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर 1. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सुपर चार्जर्स की, वो कैसे काम करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ अ कावासाकी निंजा H2 या H2R. एंड अगर आप चाहते हो कि आपके कलेक्शन में भी इस तरह का एक मॉडल आप इंक्लूड कर पाओ, फॉलो मी ऑन Instagram जहां पे एक गिव अवे हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द विद द कावासाकी निंजा H2 या H2R आपके कलेक्शन में, अगर आप वो मॉडल चाहते हो. बट फिलहाल के लिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं. आज की वीडियो होगी ऑन सुपर चार्जर्स. सुपर चार्जर्स जो है बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, ऐसा क्या फीचर है कि ये जो है एक मोटरसाइकिल में या गाड़ी में या किसी भी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट में जो है बहुत ज़्यादा पावर इंक्रीमेंट कर देता है. ऑलमोस्ट 46-50% का हॉर्स पावर इंक्रीमेंट होता है अगर आप एक सुपर चार्जर जो है उस गाड़ी या बाइक में ऐड करते हो. आज जो मैं कावासाकी H2 के बारे में बात करूँगा स्पेसिफिकली, बिकॉज ये वर्ल्ड की ओनली मोटरसाइकिल है राइट नाउ जो प्रोडक्शन में है जिसमें आपको सुपर चार्जर लगा हुआ मिलता है, चाहे वो स्ट्रीट लीगल वर्जन हो H2, चाहे वो ट्रैक ओनली वर्जन हो H2R, दोनों में जो है आपको सुपर चार्जर लगा वह मिलता है. बट ये काम कैसे करता है, किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से काम करता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. नाउ H2 जो है वो दिखने में बहुत ही अलग है, उसमें जो है आप नोटिस करोगे तो मतलब कार्बन फाइबर का काम भी काफी है, ट्रेली फ्रेम है जो कि और किसी भी कावासाकी की मोटरसाइकिल में जो है सुपर स्पोर्ट में एटलीस्ट नहीं आता है, ट्विन स्पार फ्रेम आता है, इसमें ट्रेली फ्रेम है. इंजन जो है इनलाइन 4 998cc का है. बट जो सबसे टॉक्ड अबाउट फीचर इस मोटरसाइकिल का वो है वो सुपर चार्जर. अब सुपर चार्जर जो है बेसिकली एक फोर्स इंडक्शन मेथड है हवा का, बेसिकली हवा को कंप्रेस करके जो है आप इंजन तक पहुंचाते हो, जिससे जो है आप बेसिकली अगर आप ज्यादा हवा खींच रहे हो आप ज्यादा फ्यूल खींच सकते हो, कंबाइन करके आप अच्छी पावर उस इंजन से निकाल सकते हो. अब तक की जो मेरी मोटोटॉक सीरीज की अगर आपने सारी वीडियोस देखी है जो मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर बाय चैप्टर एक सिलेबस की तरह जो है बनाई है, आपको समझ आया होगा कि एक इंजन जो है 4 पावर स्ट्रोक से चलता है, जिसलिए हम उसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं. इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट, इस तरीके से जो है आपका ये जो है कोई भी इंजन जो होगा 4 स्ट्रोक वो काम करेगा. एंड इन दिस केस इनटेक के टाइम पे अगर आप उसको फोर्स्ड जो है बहुत सारी हवा देते हो आप और फ्यूल जो है पुल कर सकते हो, आपका कंबशन जो है फिर उतना ही अच्छा होगा. एंड उस तरीके से जो है आप बहुत सारी पावर जो है आप बना सकते हो उस इंजन से, विच इज वाई जो H2 है वो ऑलमोस्ट 240 PS ऑफ पावर बनाती है. जो H2R है जो कि ट्रैक ओनली वर्जन है वो अराउंड 330 PS ऑफ पावर बनाती है, जिस वजह से वो 400 किलोमीटर्स पर आर तक जाती है, विच इज लाइक द फास्टेस्ट एनी मोटरसाइकिल हैज गॉन एटलीस्ट इन द लेटेस्ट टाइम्स. 400 किलोमीटर पर आर, मतलब एक प्लेन के टेक ऑफ स्पीड से भी ज्यादा होता है वो. एंड इट्स नॉट स्ट्रीट लीगल एंड इट्स नॉट इवन सेफ. मैं इस चैनल पे हमेशा सेफ राइडिंग के बारे में बात करता हूँ. सो वेल H2R जो है वो स्ट्रीट लीगल नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक है, इट्स ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीज. उसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बिकॉज मेरे ही एक भ्राता श्री के पास है वो बाइक बैक इन पुणे, सो आई शैल फ्लाई टू पुणे सून अगर कोविड अलाउ करता है. आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेते आऊंगा. तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ अब तक अगर कोई सवाल हो आपका. बट फिलहाल के लिए जो हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक H2 का सुपर चार्जर कैसे काम करता है. अगर आप नोटिस करो फ्रंट एंड में, चाहे वो H2 हो या H2R हो, उसमें जो है इनटेक लगा होता है, रैम इनटेक होता है जो बेसिकली हवा खींचता है और वो पूरे ट्यूब के थ्रू है जो उसका सेंट्रीफ्यूगल सुपर चार्जर है वो वहां तक जाता है, जहां पे बेसिकली वो बहुत हाई स्पीड पे जो है रोटेट करता है, हवा को कंप्रेस करता है, अंदर पुल करता है, इंजन तक पहुंचाता है. अब वो रोटेट किस तरीके से करता है, वेल कावासाकी जो स्पेशली जो है एक प्लैनेटरी गियर का सिस्टम यूज करता है जो कि बेसिकली एरोप्लेन्स यूज करते हैं. अब वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊँ,
कैसे बताऊं, चलो जो इंजन है क्रैंकशाफ्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट से जो है एक चेन जो है कनेक्टेड होती है, जो कि बेसिकली अगर क्रैंकशाफ्ट से फॉर एग्जांपल 14,000 आरपीएम पे जो है मूव कर रही है, एक जो एक्स्ट्रा गियर उससे कनेक्टेड होता है उसे 14 से 16 पे लेके आता है, एंड फिर जब आप प्लैनेटरी गियर से उसको कनेक्ट करते हो तो जो आपका सुपर चार्जर का जो टर्बाइन आप कह सकते हो उसको, वो जो है कितनी स्पीड पर रोटेट करता है आपको कोई आइडिया है? 1,00,000 से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट कावासाकी के इस केस में जो है 1,30,000 आरपीएम पर मिनट तक जो है वो बेसिकली जो है रोटेट करता है। 50,000-60,000 एक नॉर्मल लिमिट होती है, इन दिस केस इट्स 1,30,000, सो आप समझ सकते हो अगर वो इतना ज़्यादा रोटेट करेगा, इतनी हवा खींचेगा, तो जाहिर सी बात है आपको पावर तो जो है बहुत नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है, विच इज एग्जैक्टली वाई द H2 एंड H2 आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट, उनकी पावर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। बट देन अगेन इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट और द फास्टेस्ट बाइक ऑन ट्रैक, स्ट्रेट लाइन में येस, ऑन ट्रैक अगर आप नोटिस करो एक पानी वाले V4R जो है विद अ रेस किट मेक्स ऑलमोस्ट द सेम पावर एज एन H2, ऑलमोस्ट 240 PS वो भी जो है बनाती है, बट इट इज 40-45 kilos लाइटर देन द H2 ऑल्सो, राइट? सो ट्रैक पे जो है H2 हैज नो चांस व्हेन इट कम्स टू दैट मोटरसाइकिल, बट यस स्ट्रेट लाइन में H2R जो है किसी को भी पीछे छोड़ देगी, ऑल थैंक्स टू दैट सुपर चार्जर, जिसके बारे में अब आप जानते हो कि वो काम कैसे करता है। सिंपल तरीके में फोर्स्ड इंडक्शन, आप हवा खींचते हो, सुपर चार्जर उसको कंप्रेस करता है, इंजन तक पहुंचाता है। यूजुअल केसेस में इंटरकूलर की जो है जरूरत पड़ती है, बिकॉज कंप्रेशन के टाइम पर अगर आप नोटिस करो, आप अगर बाइक में भी कंप्रेसर से हवा भरते हो वो गर्म होता है, हवा भी गर्म आती है उसमें, करेक्ट? सिमिलरली ये भी जो है हवा गर्म हो जाती है तो इंटरकूलर की जरूरत पड़ती है। कावासाकी ने जो है किस तरीके से इस इंजन को डिजाइन किया है कि बॉस आपको इंटरकूलर की जो है जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली जो है हवा खींच के डायरेक्ट इंजन में डाल सकते हैं, यू डोंट नीड एन इंटरकूलर, विच इज व्हाई दैट इंजन इज स्टिल वेरी कॉम्पैक्ट, द मोटरसाइकिल इज स्टिल वेरी कॉम्पैक्ट। सुपरचार्जर होते हुए यस इट्स अ बिग बल्की मोटरसाइकिल, बट और बड़ी हो जाती वो अगर उसमें इंटरकूलर या कुछ लगा होता तो। सो आई होप आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो कि किस तरीके से एक सुपरचार्जर काम करता है। यस परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा मिलती है, किस तरीके से मिलती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, वेल इतना नहीं पड़ता, अगर आपको सेम परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ा इंजन बनाना पड़ता तो आप सोचो आपको इंजन के लिए मटेरियल भी ज्यादा लगता, कॉस्टिंग भी होती, साइज भी होती, काफी चीजें होती। सो वेल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू गेट मोर पावर, चाहे वो एक टर्बो चार्जर हो चाहे एक सुपर चार्जर हो। एंड उससे मुझे याद है, अगर आप टर्बो चार्जर वर्सेस सुपर चार्जर्स पे एक वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे नीचे बताओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बनाएंगे हम उसके ऊपर भी एक वीडियो, बट ओनली इफ यू कमेंट एंड लेट मी नो कि भाई हां हमें एक टर्बो चार्जर वर्सेस सुपर चार्जर वाली वीडियो चाहिए। एंड एक और बार एक रिमाइंडर, अगर आप ये मॉडल जीतना चाहते हो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sketchbuildride, एंड इसका करेंगे हम गिव अवे बहुत ही जल्द, सो दैट आप भी इस तरह से अपना एक कलेक्शन बना सको। मैं हूं सनी चौहान, ये थी एक मोटोटॉक सीरीज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।